राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर मचे घमासान के बीच एक खबर ऐसी आई जिससे बहुत ज़्यादा अब पार्टी आलाकमान के लिए मुश्किलें दिखती नज़र आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट अब तूफानों की तरह आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने आगामी समय के अंदर जयपुर का दौरा किया है और जयपुर दौरे से कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया है। देखा जा रहा है कि सचिन पायलट के अचानक जयपुर दौरे से गहलोत समर्थकों के साथ साथ पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की भी नींद उड़ती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सचिन पायलट अब गुपचुप तरीके से मीटिंग भी कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ लगातार दौरा भी कर रहे हैं। आखिरकार सचिन पायलट के दौरे करने की वजह क्या है और क्या है गुपचुप मीटिंग का राज, ये बात अब खुलकर सामने आने लगी है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने खुलकर साफ कह दिया है कि अगर कुछ ही दिनों के अंदर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी राजस्थान मंत्रिमंडल में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां नहीं करती हैं और सचिन पायलट को कम से कम 6 से 7 विभाग अगर नहीं दिए जाते हैं और उनके समर्थकों को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है, तो सचिन पायलट अब मौके की स्थिति को देखकर पार्टी से अलग हो सकते हैं। सचिन पायलट के इतना कह देने भर से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर भूचाल आ गया। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर नेताओं के होश उड़ते नजर आए और गहलोत समर्थकों के पसीने छूट गए। दरअसल अगर देखा जाए तो सचिन पायलट ने अब फुल एंड फाइनल करने का फैसला कर लिया है। बीते कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े सचिन पायलट ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काफी मेहनत की है। गौर करने वाली बात तो है कि जिस तरह से देखा जाए सचिन पायलट ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इतने बड़े स्तर पर काम किया और कहीं ना कहीं पार्टी को आगे लेकर आए, इसमें सचिन पायलट का बहुत बड़ा योगदान है। वहीं राजस्थान की जनता भी ये बात जानती है कि उनके युवा नेता सचिन पायलट ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम किया है। आपको बता दें कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आए तो भी इसकी वजह सचिन पायलट ही बताए जाते हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने लगातार चुनावी समय में जो दौरा किया, राजस्थान की जनता के साथ वो जुड़ते चले गए, इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को मिला। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने सचिन पायलट के साथ धोखा कर दिया। ना सिर्फ सचिन पायलट के साथ सोनिया गांधी ने धोखा किया बल्कि राहुल और प्रियंका गांधी ने भी सचिन पायलट के साथ धोखा किया। जिस राहुल गांधी को सचिन पायलट अपना अच्छा और सच्चा मित्र मानते थे और ऐसा लग रहा था सचिन पायलट को कि प्रियंका और राहुल गांधी युवा नेता हैं और वो जरूर उनकी बात सुनेंगे, लेकिन बिल्कुल इसकी विपरीत ही तस्वीर दिखती नजर आई। राहुल और प्रियंका ने भी सचिन पायलट का साथ छोड़ दिया और ऐसे में सचिन पायलट अब अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थकों ने सचिन पायलट का साथ नहीं छोड़ा और सचिन पायलट के एक एक कदम पर उनके समर्थक भी चलते जा रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो सचिन पायलट ने अब मौके की स्थिति को देखते हुए पूरा फैसला लेने का मन बना लिया है। दरअसल अगर देखा जाए तो राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने के बाद से कई मुद्दों पर ना तो सही ढंग से काम कर पाए और ना ही राजस्थान की जनता के लिए उन्होंने बेहतर काम किया। जिस तरह से उन्होंने मौजूदा समय के अंदर केवल सचिन पायलट और उनके समर्थकों को नीचा दिखाने की कोशिश की और सचिन पायलट उनके समर्थकों को दबाने का काम किया, ये बात सचिन पायलट को पसंद नहीं है। इतने वर्षों से सचिन पायलट पार्टी के साथ जुड़े रहे थे और सचिन पायलट को इस बात की उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान उन्हें लेकर जरूर कोई बड़ा कदम उठाएंगी और उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी, लेकिन जिम्मेदारियां तो छोड़िए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट के साथ भी धोखा किया गया। सचिन पायलट को भी दरकिनार किया गया। इससे साफ पता चलता है कि केवल कांग्रेस अपने करीबी नेताओं को ही पार्टी में जगह देती है और कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट के पोस्टों ने अब राजस्थान में पूरी तरह से तूफान मचा कर रखा है।
जी हाँ, जगह जगह सचिन पायलट के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि सचिन पायलट की बदौलत कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है और सचिन पायलट ही सीएम बनने के लायक है। यानी कि साफ तरह से पोस्टर जो देखने को मिल रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि राजस्थान में अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की तनातनी अब बड़े स्तर पर दिखती नजर आ रही है। गौर करने वाली बात तो यह है कि अब पोस्टर वार देखने को मिल रहा है और ये पोस्टर वार जिस तरह से शुरू हो चुका है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, ये साफ तौर पर बताता है कि सचिन पायलट अब रुकने वाले नहीं है। सचिन पायलट अब आर पार की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट या तो कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस में रहेंगे तो बड़ी जिम्मेदारियां संभालेंगे, नहीं तो कांग्रेस से ही अलग हो जाएंगे। अगर कांग्रेस से सचिन पायलट अलग होते हैं तो गहलोत सरकार का गिरना तय। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने अपने ही करीबी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी और उन्हें ही बड़ा मंत्री बनाया। इससे अब तमाम तरह के सवाल खड़े होने लग गए हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी अपने ही करीबी नेताओं को पार्टी के बड़े जिम्मेदारियां देंगी? क्या सोनिया गांधी की नज़रों में और नेताओं के लिए कोई अहमियत नहीं है? जी हाँ, इस तरह के तमाम सवाल अब दिखते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि साल 2014 के बाद से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह धीरे धीरे टूटती नज़र आई और साफ तौर पर देखा जाए तो पार्टी में कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर गुटबाजी भी दिखती रही। जिस तरह से पार्टी में बड़े स्तर पर गुटबाजी होती रही, इसका साफ मतलब ये है कि पार्टी धीरे धीरे टूटती रही और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। ऐसे में बिल्कुल अगर राजस्थान की स्थिति पर निगाहें डाले जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में सचिन पायलट अब कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर कदम उठाते दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट ये बात जान चुके हैं कि कांग्रेस में अगर बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं मिलती है तो उनकी अहमियत पार्टी में कहीं भी नहीं रहेगी। ऐसे में सचिन पायलट जो है वो स्वतंत्र रूप से फैसला लेने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि अब देखा जाए तो सचिन पायलट के समर्थक भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि सचिन पायलट आगामी समय में क्या बड़ा कदम उठाते हैं। सचिन पायलट के कदम से राजनीतिक गलियारों में बहुत ज़्यादा खलबली भी मच सकती है। अगर सचिन पायलट कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आते हैं तो राजस्थान में बीजेपी बड़े स्तर पर मजबूत हो जाएगी और इसके साथ ही साथ बीजेपी में एक और युवा चेहरे की एंट्री होगी। हाल ही में जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थामा, उससे कुछ समय पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा, और अगर सचिन पायलट भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कांग्रेस आगामी समय के अंदर धीरे धीरे डूबती चली जाएगी और पार्टी पूरी तरह सिमट जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो पार्टी के अंदर ना तो कोई बड़ा चेहरा अब रह गया है और ना ही कोई युवा चेहरा। भले ही सोनिया गांधी राहुल और प्रियंका को आगे रखकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन चुनाव में केवल और केवल कांग्रेस को हार का सामना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस बात की झलक हाल ही में बीते कुछ समय पहले कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में ही देखने को मिल गया था। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।